हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं अभी दुकान के पास हूँ और देख सकते हैं मैं अभी दुकान में आ चुका हूँ और दुकान की सफाई कर रहा है और घर में शादी की तैयारी चल रही है क्योंकि भैया की शादी है 23 जून को, तो उसका इन्विटेशन कार्ड आ गया है और वो भाई लोग भतीजे लोग कर रहे हैं उसको फोल्ड और बल्ब में डाल रहे हैं। मैं दुकान में आ गया हूँ और देखता हूँ, दुकान खोलता हूँ। उसके बाद आज का कुछ प्लानिंग था पर शायद कैंसिल हो सकता है, और एक प्लान था कि आम भी तोड़ना था, आम भी नहीं तोड़ पाया आज। देखते हैं, ये रहा मेरा दुकान, कुछ इस हालत में है दुकान। अंधेरे में है ना, अंधेरा अंधेरा क्यों लगता है, अंदर जाने से पता चल रहा है। ओके, कुछ इस हालत में है अभी दुकान, और साफ सफाई करने के बाद मिलते हैं। कुछ उसके बाद ये रहा मेरे घर के बाहर का सीन, और घर की रंगाई चल रही है, रंग रोगन, ये गेट पेंट हो रहा है। मिस्त्री लोग लगे हुए हैं अपने पेंट में, और पेंट ख़त्म ही हो गया, सिर्फ घर का फेस बाकी है, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। दुकान की साफ सफाई करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ बाहर और चलते हैं BSNL ऑफिस के अंदर, देखते हैं चाचा जी क्या कर रहे हैं। और ये मैं आ गया BSNL ऑफिस के अंदर। चाचा जी तो सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका ट्रेन रहता है सुबह के 5 बजे और वो दूर से आते हैं। मैं आ गया हूँ, देख सकते हैं मैं कितने मस्त जगह पे आता हूँ, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। चाचा जी, ओ चाचा जी, सब कहाँ है? अरे हाय कीजिए सभी को, बोलिए अच्छे है ना सब? सब ठीक है, सब अच्छे रहिए, अच्छे रहिए। हाँ, और आम का क्या विचार है? आम काम भी चला गया। कहाँ चला गया? अरे आप कहाँ जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? तो आम तोड़ के ले जाइए, खत्म हो जाएगा। ऊपर तो सब खत्म हो जाएगा जी, हम नहीं लेके तोड़ के जाइएगा तो कौन देखे देखभाल करेगा यहाँ पे? यहाँ देखभाल करना जरूरी है ना, तो देखभाल होगा कैसे? आप नहीं रहिएगा तो धोती में आ रहे हैं आप? खराब है क्यों? नहीं, रिपोर्ट नहीं करना। कैसे? ऑफिस है, सरकारी ऑफिस, कोई मजाक नहीं। कौन देखता है इसको? कौन नहीं देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा। अच्छा, आम तोड़ लीजिए आम। बाहर निकलिएगा, ठीक है, आइए बाहर। और मैं चलते हुए बाहर की ओर अपनी दुकान में रहता हूँ। चाचा जी बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, और चाचा जी कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, सरकारी ऑफिस है, तो हम लोग बस एंजॉय के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं। और आप लोगों के प्यार सपोर्ट बनाए रखे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये रहा मेरा दुकान, ये रहा हमारा रोड,
और एक इधर जाते हुए स्टेशन की ओर गोमो स्टेशन, और ये रहा मेरा दुकान। चलते हैं कुछ काम करते हैं क्योंकि काम भी बाकी है। सिस्टम ऑन हुआ मेरा? सिस्टम नहीं ऑन हुआ जी। सिस्टम ऑन होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहे हमारे वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो पहले वीडियो कर चुका था और हम लोग ने आम तोड़ लिया, और आम तोड़ने के बाद मैं गया था तुप चाची। तुप चाची से आने के बाद मैंने खाना खाया और सो गया, और अभी मैं हूँ अपने दुकान में। दुकान में खोलता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। पेंट हो गया था, और ये रही मेरी दुकान। दुकान खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। दिखाइए तो आप थोड़ा सा। ये मैं दुकान खोलता हूँ, अब आएगी आप लोगों की शटर की आवाज़। हाँ, ये देख सकते हैं दुकान। आप लोग तो कितना बार मैं दुकान दिखाऊंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार दुकान दिखा चुका हूँ। और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, पेंट हो चुका है मेरा दरवाज़ा, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इधर पेंट हो गया और पेंट चल ही रहा है। एक ऐसा मिस्त्री आपने लगाया है जो एक ग्रिल पेंट करने में 3 दिन लगा दिया, बताइए ऐसा होता है कोई मिस्त्री? हाँ संजय भैया, ऐसे होता है? आप जवाब दीजिए पहले। जवाब दे। हाँ, काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा, लेकिन दाम कैसे आप लोग कर रहे हैं? एक ग्रिल पेंट करने में 4 दिन लगा दिए। 4 दिन कहाँ, 4 दिन लगा, कितना दिन लगा है? प्राइमर लगता है, फिर पेंट लगता है। अच्छा, तो काम बढ़िया हो रहा है ना? काम बढ़िया हो रहा है। और मिस्त्री जी, हाँ। आप कुछ बताइए, जवाब दीजिए। क्या जवाब दें, बोलिए कि कौन सा पेंट अभी चल रहा है, पेंट का नाम क्या है? एकोलाइट का है। एकोलाइट का कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन में ना? हाँ। चलिए बढ़िया। और कौन कौन सा पेंट यूज किए आप? रेड। रेड, सिल्वर। सिल्वर। अब पूरा घर में जो कौन सा पेंट हुआ है? घर में पेंट हुआ, सो उधर पूछिए उधर से। हाँ संजय जी। हाँ। पूरा घर में कौन सा पेंट हुआ है? ये एशियन का है। एशियन का। हाँ। डिस्टेम्पर ना, कौन सी बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं इमोशन। इमोशन। चलिए धन्यवाद। इमोशन। चलिए थैंक यू।